और कमेंट नहीं करेंगे। रेफरी डिसीजन पे ही लास्ट डिसीजन है और उनको पालन करें। और मैच शुरू हो चुकी है। इस बार ब्लैक ईगल लेकिन कौन खड़ा गेंद पर अपने कब्जे में लेता। फिर से यहां पर बाबलू और मोटा काटा साथ ही खिलाड़ी के मौका बन सकता है गेंद, लेकिन पारून ने गेंद को डिलीवरी करने में पीछे गेंद को क्लियर करने कौन इस बार गेंद के साथ जर्सी नंबर 16 में यहां पर देखिए गलती खिलाड़ी अभी भी मौका सभी खिलाड़ी के लिए। आकाश मौजूदा खिलाड़ी अपनी कार्ड नंबर पर लंबे कद करके नौजवान साथी खिलाड़ी आकाश मातो इस बार मिस करता हुआ गेंद को। आकाश एक मजे में खिलाड़ी है, एक गोल मशीन के लिए जाने जाते हैं आकाश मातो को। ब्लैक ईगल एक जमशेदपुर के लिए रेगुलर प्लेयर है आकाश मातो बाबलू के लिए। तरुण मातो काटा कब्जी के गेंद यहाँ पर तरीके से पांव रखा गया प्रवीण मातो के द्वारा लगे किया है गलती को। एक अच्छे और करली गेंद रखा गया था आकाश मातो डिफ्लेक्ट द बॉल वन था गेंद गेट द बॉल जसर फाइव बाबू हॉल का एरियल बॉल या द गोल पॉल्स वन सेकेंड बट मी सी दी मोमेंट सोए सोए पास फॉर द प्लेयर एंड 44 नंबर स्विच क्लियर द मोमेंट वन सेकेंड गेट द बॉल दुर्गा मुर्मू एंड पास फॉर द प्लेयर आकाश स्वीट दुर्गा मुर्मू वन टू वन ट्राई टू रिमूव एंड बट नो डे कैपेबिलिटी वन सेकेंड डजंट 15 गुड कोऑर्डिनेशन जस्ट कंट्रोलिंग द बॉल द 77 आकाश हैंडल द बॉल वंस अगेन पास फॉर द प्लेयर गुड कंट्रोल एंड गुड टीमेट इन मोमेंट दस टेबल सी चीज यो प्लेयर इज आर दुर्गा मुर्मू वाह फैंटास्टिक के लवली वन टू वन ट्राई टू इन द मोमेंट द चीप आकाश मोदा से बॉल अगेंस्ट द मोमेंट एंड आउट ऑफ प्ले नाउ वंस अगेन एंड गेट्स अ चांस फॉर द चीप फॉर द चीप कौन अगर आई सी कोरोना के बुल्ला खड़ा है तब तक द मैच पर नो गेन नो लॉस फॉर द बोथ चीप कोरोना बोल जाना है के गुड अप्रिशिएट द गुड टीमेट गुड कोऑर्डिनेशन अ फैंटास्टिक मैच फॉर द playing the both team player again just a bit cruel one to one try to again Durga more with the silver right once again get the ball Suraj Sud a chain number player it's a great player in this team Kodagar FC and popular player no argument anybody कोई भी खिलाड़ी रेफरी से अपने आर्गुमेंट नहीं करेंगे धक्के मुक्के नहीं करेंगे अन्यथा आपकी टीम को आपके टीम के खिलाफ एक कड़ा निर्णय लिया जाएगा। बॉक्स से बाहर अगर था तो फिर कोई भी खिलाड़ी आप लोग इस तरह के अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे अन्यथा आपके टीम के खिलाफ कुछ कड़ा निर्णय लिया जाएगा। कोई भी खिलाड़ी अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अभिमन्यु मातो जी से हम विशेषकर अनुरोध करना चाहेंगे कि थोड़ा सा संयम रखें, टीम आप संतुलन बनाए, अगर हो सकता है गलती हुआ तो फिर जो भी डिसीजन है वो फाइनल डिसीजन होगा। गोलकीपर बाहर में गेंद को पकड़ा था ऐसा हो सकता है। रेफरी डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन। कोई भी कारण आप लोग आर्गुमेंट नहीं करेंगे। रेफरी डिसीजन पे ही लास्ट डिसीजन है और उनको पालन करें। और ये
स्टेडियम का वॉल बना है और इनडायरेक्टली का इशारा कर चुका है मैच रेफरी। टू प्लस होने का दरकार है ताकि गोल में मान्यता होगा। इस बार मौका हो सकता है, ब्रेकिंग गेंद के लिए तभी नहीं गेंद है, अभी भी मौका। नजर आ रहे हैं नतीजे पर नंबर पर सफल है, बहुत जाती हुई गोल दागने के बाद भी प्रेशर है, दबाव है। ऐसा कभी कभी हम लोग देखते हैं गोल दागने वाले टीम को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा हमें नजर आ रहा है। मोटा मोटा गोल दागने के बाद एक बड़ी भरकम दबाव, एक बड़ी सफलता हमें कहूंगा खेल में, और उसका प्रेशर लगभग लगभग सत्ता नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका दबाव का खमियाजा कुछ परिणाम की डेंजर के लिए काफी प्रतिभावान गोलकीपर गिने जाते हैं। इस रण भरी मैदान पर कुछ भी हो सकता है स्कोर के मामले में। फिलहाल जोड होता हुआ खिलाड़ी शायद कुछ समय को रोका गया, थोड़ा सा शांति रोका गया है उस समय। यहाँ पर खिलाड़ी और बड़ा की खेला जो था अभी बन्यू महतो जो कि बचे हुए डिफेंडर है, और अभिमन्यु मातो का अगर हम कुछ अलग चर्चा करें तो आरव स्पोर्टिंग से काफी मशहूर है, उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी सोशल मीडिया पर नजर आती है। यूट्यूब चैनल आरव स्पोर्टिंग के नाम से उनका प्रोवाइडर अभिमन्यु, थोड़ी सी फुल मिनट प्लेयर खेल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होती है, पर यहाँ पर एक गोल से जब पीछे टीम दोस्तों दबाव जरूर बनी हुई है, उनको कम समय में कुछ बड़ा काम करना होगा, तब तक यहाँ पर टीम अपने आप को वापसी करने में सफलता होगी। इस बार भी मौका बन सकता दुर्गा आपने कुंडाघाटा एफसी टीम फिर से पेमल होंगे शायद पंद्रह नंबर पर। मेडिकल चोट पर आप उपस्थित हो जाएंगे दोनों टीमें, जो आठवां नंबर में छेड़ेंगे आप होंगे कोरल स्पोर्टिंग वर्सेस एसजेके सड़कगर। और चलिए सबसे पहले तो आज और एक यूट्यूबर हमारे समय पे उपस्थित हुए हैं, यदि आप इसे आज न्यूज झारखंड दुर्गाजपुर के हर पलकों पलकों का खबर यदि आप जानना चाहते हैं तो गोल्डन क्लब लेदराड़ी यूट्यूबर से आप सर्च करेंगे गोल्डन क्लब लेदराड़ी। चलिए उनको भी दिल की गहराई से धन्यवाद प्रदान करते हैं कि न्यूज झारखंड दुर्गाजपुर इस कमेटी परिवार की ओर से, और साथ में हमारे गुरुजन नारम सर जी की ओर से आपको ढेर सारे धन्यवाद प्रदान करते हैं। जी हाँ, आज का कई सारे सोशल मीडिया मुझे ऐसा लगता है, हालांकि जिस तरह से अभी आपने जिक्र किया लेदराड़ी फुटबॉल यूट्यूब चैनल, जो आज हर एक देश का पूरा पूरी अपने कैमरे में कैद कर रहा है, यानी आप अगर ये आज का जो रात्रिकालीन का जो खेल प्रतियोगिता को अगर आप कल परसों अगर आप हाईलाइटेड मैच अगर देखना चाहते हैं तो फिर लेदराड़ी फुटबॉल यूट्यूबर चैनल से ये सारा मैचेस को कैद किया जा रहा है। आप उस यूट्यूब चैनल में अगर साथ सब्सक्राइब कर और बेल दबाकर उस
यूट्यूब चैनल को आप अगर देखना चाहेंगे तो फिर आज का रात्रि कालीन खेल प्रतियोगिता का सारे मैच आपको देखने को मौके मिलेंगे फिलहाल। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर हड़बड़ाहट होता हुआ खिलाड़ी जिसके साथ इस समय यहाँ पर एक लातूर मिला है, एक कोरर बनता हुआ यहाँ पर खतरे से बाहर जरूर। ब्लैक ईगल जल्द फुटी तेरा झुनिया छा गए कि मौका हो सकता है लेकिन सामने यहाँ पर डिफेंडर मौजूद समय कभी लिया यहाँ पर रास उर्फ अभिनाश आस्था यहाँ पर और अंतिम समय में गेट से साथ बहुत अच्छी घोड़ा का टाइम थी एक मौका था लेकिन मौके पूरी तरह से बना नहीं पाया। अच्छी रणनीति को बनाया था जरूर वहां पीछे से आकर खिलाड़ी गेंद को पुश किया और जमीनी गेंद अभी भी मौका बनता था खतरा बन रहा था यहां पर ब्रेकिंग एग्जाम से तू टीम के क्षेत्र में लेकिन फिलहाल खतरे से बाहर अभी भी मौका होगा यहां पर गेंद करना आगे बढ़ना चाहते थे यहां पर खिलाड़ी लेकिन सफल नहीं रहे। इस बार ब्लैक ईगल के लिए रास और आकाश आकाश के बाद साथी खिलाड़ी 12 नंबर पर लेकिन फिर से मौका करना गेंद को जीतता हुआ और इसी के साथ यहाँ पर समय की